आपके इस मामले में आपकी जो भी दुकानदारी है अपने अंदर यूं भी चलती है अपनी और वैसे भी चलेगी। ग्राहक जब भी आएगा यहाँ पे खड़ा रहेगा, जब उसको खड़े रहने की जगह मिलेगी। आपका पूरा बना हुआ है, तैयार है, सिर्फ आपका इतना सा त्याग थोड़ा सा अगर पीछे कर लो क्या छोड़ा छोड़ा हो जाएगा। अब मुहिम में साथ दो आप। देखो पहले भी 6 महीने पहले भी आपको नोटिस पे आया था, सब कुछ हुआ था, जो भी हुआ जब तक रुक गए रुक गए। अब मुहिम में साथ दो। आपके दुकान में इतने सारे देखिए, हम सभी को मालूम है कि एमजी रोड हमारे देवास की हार्ट लाइन है और यहाँ पर जिस तरीके से व्यापार चलता है, जिसमें ग्रामीण के भी और हमारे शहर के भी तमाम लोग इस एमजी रोड से ही अपनी खरीदी करते हैं, पर चूंकि सिर्फ एक हाथ से ताली नहीं बजती है, आज हमने व्यापारियों से भी यहाँ पर आकर विनम्र अनुरोध करा है, उन्हें प्रतीकात्मक एक गुलाब का फूल देकर यह अनुरोध करा है कि आपका जो दुकान का सामान है वो अपने दुकान में ही रख कर बेचें। उनकी जो पब्लिसिटी के बोर्ड जो रोड पर रखे रहते हैं, हमने पहले भी कई बार यहाँ पर आह्वान किया, हमने कार्रवाई भी की है, पर अब की बार हमने आज ये निवेदन करा है, आज से हम ये मुहिम चालू कर रहे हैं नगर निगम की अतिक्रमण को लेकर। हमारे साथ में कमिश्नर, यहाँ के स्थानीय पार्षद और हमारे PWD के अध्यक्ष, तीनों पार्षद हमारे साथ में मौजूद हैं, हमारे कमिश्नर साहब भी यहाँ मौजूद हैं और आज हम एमजी रोड पर सभी व्यापारियों से ये आह्वान कर रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से समस्त सिर्फ एमजी रोड नहीं समस्त देवास के व्यापारियों से और लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अतिक्रमण, अस्थाई अतिक्रमण आपका यदि है तो आप पीछे कर लें, क्योंकि हम अब इस मुहिम को छेड़ चुके हैं और यह मुहिम सतत जारी रहेगी। एमजी रोड का चौड़ीकरण होना है, उसके लिए भी हमको 6,25,00,000 रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 2,25,00,000 रुपए राजमाता जी ने एमजी रोड के चौड़ीकरण के लिए स्वीकृत करा दिए। हमने नई DPR पूछाई थी, उसमें पहले भी हमने टेंडर लगवाया था, पर उसमें जो पोल शिफ्टिंग थी, वो पोल शिफ्टिंग जब हम अगर पोल को पीछे करते तो वो यहाँ के रहवासियों की गैलरियों पे आते हैं, इसलिए हमने अंडरग्राउंड लाइटिंग के साथ में 2.25 करोड़ रुपए का नया टेंडर जारी करने वाले हैं हम। उसकी DPR भोपाल से स्वीकृत हो गई है, पर वो टेंडर होता रहेगा और चौड़ीकरण होता रहेगा वो एक और बात है, बट अभी जो हमारी स्थिति है वो बड़ी हौचपौच स्थिति थी एमजी रोड की, तो हम लोगों ने सामूहिक रूप से नगर निगम और पुलिस प्रशासन अब सतत इस रोड पर कार्रवाई करते रहेंगे। हमने व्यापारियों से गुलाब का फूल देकर ये निवेदन करा है कि उनका व्यापार सही चलाने के लिए भी उनके ग्राहकों की गाड़ी कम से कम उनकी दुकानों के सामने खड़ी हो, इतनी जगह वह स्वयं बनाए और वो खुद भी जागरूक रहें। पब्लिक की सेल्फ अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। आपके माध्यम से मैं देवास की जनता से भी अपील करता हूँ कि जहाँ पे भी मुख्य मार्गों पे या कहीं पे भी आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो अपनी नैतिक जवाबदारी समझकर जो सफ़ेद लाइन एक बनी हुई रहती है उसके अंदर ही गाड़ी खड़ी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात उसका सामान उठा ले जाएगा, दूसरी बात उसकी जब्ती करेगा। सर इसके बाद जो है आगामी क्या किस प्रकार से कार्रवाई रहेगी, क्या आगामी क्या योजना है? कंटिन्यूशन हमारी कार्रवाई बनी रहेगी, आगामी तो एक दिन का समय देती है, दूसरे दिन से हमारी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। नहीं, पर आगामी क्या योजना है जो स्वीकृत है अभी एमजी रोड के लिए?